तो चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और इसके डेली चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन रहा है, तो उसको पूरी तरह से समझेंगे कि क्या इसमें फॉर्मेशन बन रहा है। तो देखिए, बैंक निफ्टी काफी दिनों से आप देखेंगे कि एक रेंज में है। इस कितने दिनों से रेंज में है आप खुद से चेक कर लीजिए। ये लगभग 1.5-2 महीने से एक ही जगह पे खड़ा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेशन बना रहा है। इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया देखिए यहाँ पे था, और यहाँ उसी रेजिस्टेंस एरिया पे प्राइस आके वापस से यहाँ पे देखिए एक टॉप बनाया, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये फिर से ये टॉप हो गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया और फिर ऊपर यहाँ पे। तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि ये पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से समझिए इसको। अब इसमें देखिए ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कोई एक कन्विक्सिंग जैसे देखिए इस टाइप से मूवमेंट आया, इस टाइप से हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन इस टाइप से होता है। तो इस टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बार बार ऊपर की तरफ फंस रहा है, ऊपर नहीं जाने पा रहा है प्राइस और नीचे आ जा रहा है। तो ये एक ट्रैपिंग मूव हो सकता है। अब देखिए इस टाइप का जब रेंज होता है तो इसको और ध्यान से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक और पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये है देखिए यहाँ पे ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे से ये सपोर्ट, तो आपका ये ट्रिएंगल टाइप का फॉर्मेशन हो गया। तो ट्रिएंगल ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि पूरा कन्फ्यूजन होता है, और मैं आपको बता दूं मैक्सिमम लोग यहाँ पे कन्फ्यूज ही रहेंगे, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, कन्फ्यूजन यहाँ पे बरकरार रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा सबके ये में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। एक्चुअल में मार्केट एक ही जगह पे खड़ा है और काफी दिनों से यहाँ पे मोमेंटम एकदम खत्म हो चुका है। अब इस टाइप का मार्केट का फितरत ये होता है कि मोमेंटम खत्म हो जाने के बाद वापस से मोमेंटम आ ही जाता है। देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए कितना भी रेंज में रहे, रेंज को एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये देता ही है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, इसमें एक जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। तो जिधर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उधर की तरफ हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहा, इसलिए अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या अभी जो भी रूल है उसको फॉलो करते हुए इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये एक अच्छा मोमेंटम के बाद यहाँ पे देखिए ट्रिएंगल पैटर्न बना के अगर ऊपर भी निकलता है तो उसमें भी आपको ट्रेड बनेगा। ऐसा नहीं कि केवल नीचे का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन है, तो ज्यादा ज्यादा चांस ये होता है कि नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ये सब चीजें हमेशा काम नहीं करती है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान ही रखना है कि एक ब्रेकआउट इस टाइप का जब पैटर्न बन जाए, इस टाइप का जब रेंज बन जाए, मोमेंटम लॉस हो जाए। ऑलरेडी देखिए ये जो मोमेंटम है ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो उसके बाद अगर फ्रेश मोमेंटम बनने की कोशिश हो रहा है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड अच्छा बनता है।